सीधा कैसे बनाओ आज हलवा बाजार में, आज हलवा बाजार में बहुत बड़ी समाजवादी जनसभा चल रही है, इसमें काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। तो ये चुनावी सभा का आज अंतिम दिन भी है, क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल समाज? मैं यहाँ के लोग जो है, यहाँ की जनता जो है, मैसेज ये देना चाहती है क्योंकि ये जो जुमलों की सरकार है इनको मुंहतोड़ जवाब देना है कि जो है यहाँ उनकी वोटर नहीं है और जो है महंगाई के खिलाफ जो है बेरोजगारी महंगाई। अखिलेश के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो आप लोग मतदान करना चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं इसको? इसमें मुद्दे महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं और जो है शिक्षा के हैं और इलाज के हैं और संविधान को बचाने के हैं। तो ये देखिए, क्या नाम है आपका? संजय चौधरी। आप क्या बोलेंगे? आपका नाम? अनंत प्रताप पटेल। आप भी क्या, देखिए अभी ये युवा हैं, इन्होंने बताया कि मुझे बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई, ये दो तीन मुद्दे गिनाए जो सबके लिए जरूरी है, सबके लिए, एक के लिए नहीं। तो आपका क्या कहना? बिल्कुल, ये पूरा प्रदेश देश जानता है। नाम क्या? मेरा नाम अनंत प्रताप पटेल है। ये पूरा देश प्रदेश जानता है जो ये जुमलों की सरकार है केवल एक वादा करती है, पूर्ण कुछ नहीं होता है, बस एक नारेबाजी है, हवाबाजी है, बस यही चल रहा है इस सरकार में। और रही बात इस चुनाव की, तो अखिलेश यादव जी आएंगे, इंडिया गठबंधन आएगा, तो हम लोगों को रोजगार मिलेगा, माताओं बहनों को जो है पैसे मिलेंगे, महंगाई कम होंगे, यही सब होगा। महंगाई तो महंगा हो गया, महंगाई को कोई कंट्रोल तो अब नहीं कर पाएगा, लेकिन शिक्षा और रोजगार ये तो जरूरी है। शिक्षा शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य, ये तीनों चीज़ अहम मुद्दे हैं इस चुनाव के। और रही बात संविधान, बेशक जरूरी है, संविधान बचाना है हम लोगों को, ये लोग संविधान ही खत्म कर देंगे। जो आज हम लोग इस सड़क पे घूम रहे हैं, सर तान के घूम रहे हैं, संविधान का देन है, अगर यही खत्म हो जाएगा हम लोग किसी का काम लायक नहीं रह जाएंगे। राम प्रसाद चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये युवा संविधान के समझे और संविधान को देख करके जो मिला है हक अधिकार, संविधान की ही देन है, नहीं तो आज जो झाड़ू पोछा पहले लोग करते थे उसी तरह सबको करना पड़ता। चलिए, संविधान को मानने वाले यहाँ पर हैं और संविधान का पालन करने वाले हैं। यहाँ पर आज हलवा बाजार में कम से कम 50,000 से ज़्यादा की संख्या में भीड़ है और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, कहीं भी मंच से बाहर ये हम सड़क पर आकर के इन लोग युवा लोगों की कुछ थोड़ी सी बाइट लेना चाह रहे थे। और यहाँ पर जो भी हैं सब 18 साल से 30 साल के अंदर के हैं, ज़्यादा युवा यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सब आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए, देखिए, पुराने कार्यकर्ता हैं जो समाजवादी के सपोर्टर भी रह चुके हैं, हम उनका नाम है हरीश, जो जनपद बस्ती जिले से होकर के आए हैं, बस्ती के रहने वाले भी हैं। सर, आप भी कुछ बताइए, यहाँ पर आज चुनावी मुद्दा का आखिरी मौका प्रचार प्रसार का, आज 23 मई है और यहाँ पर 25 मई को जनपद बस्ती में मतदान होना है, तो आप किस मुद्दे को लेकर के इनके समर्थन में, इंडिया गठबंधन के समर्थन में आए हैं, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम हरीश है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज चुनाव अंतिम दौर में है और हलवा बाजार में जो सुबह चल रही है इसमें उमड़ता हुआ जनसैलाब इस बात का गवाही दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पांव बस्ती से ही नहीं पूरे देश से उखड़ गया है और 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है। आज भारत में नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, किसान परेशान है, देश की रक्षा करने वाला बॉर्डर पर जवान परेशान है, आज देश की सरहद की हिफाजत करने वाले नौजवान को जो मोदी सरकार ने अग्निवीर बना दिया, जो 4 साल में बॉर्डर से वापस आएगा, अपना तो 73 साल उम्र पार करने के बाद भी प्रधानमंत्री मौका मांग रहे हैं, लेकिन जो देश का भविष्य है, नौजवान है, उसको 4 साल में बॉर्डर से वापस, इन सारी चीज़ों को लेकर के आज देश में बहुत बड़ा हलचल है नौजवानों में और इस देश का नौजवान ये मन बना चुका है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की पापी सरकार जाएगी नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार
आएगी नहीं तब तक इस देश का नौजवान खुशहाल नहीं होगा, किसान नहीं खुशहाल होगा, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से मुक्ति नहीं मिलेगी। इन सारी चीज़ों को लेकर के आज देश का नौजवान सड़कों पर है और 4 जून के बाद उसका परिणाम है कि इंडिया गठबंधन की अपार बहुमत की सरकार आने वाली है। चलिए, आपने अभी कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। हम यहाँ पर एक और हैं, आपका क्या नाम है? उमा शंकर जी है।